लालची ऑटो ट्रैवलर। एक गांव में दीपांशु नाम का एक युवक हुआ करता था। उसे दुनिया घूमने की ख्वाहिश थी। वो एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पे काम करता था। उसका अन्वेष नाम का एक दोस्त था। वो बहुत बड़ा कंजूस था। अगर सामने वाले तरक्की करने लगे तो वो बहुत जलता था। कोई काम करे बिना आवारा फिरता रहता था। एक बार दीपांशु अन्वेष से, दोस्त मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे दुनिया घूमने की ख्वाहिश है कहकर तुम जानते हो ना, मगर ऐसे करने के लिए मेरी नौकरी रुकावट बन सकती है। इस वजह से चाहे जितना भी रिस्क हो, एक YouTube चैनल खोलकर मेरी विश्व यात्रा शुरू करूंगा। चैनल का नाम नोमैडिक इंडियन है। अगर YouTube में मेरा कंटेंट हिट हुआ तो बस है, पैसों की कमी नहीं होगी, कहा अन्वेष। तब तुम पागल हो गए क्या, नौकरी छोड़कर दुनिया घूमोगे? उसके लिए कितने पैसे लगेंगे जानते हो? असल में YouTube से उतने पैसे आते हैं क्या? मुझे भरोसा नहीं है। सोच लो, मेहनत करके फ्लाइट टिकट खरीद कर एक देश को पहुंचे तो भी वहाँ फिरने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, रहने के लिए लॉजिंग, ऐसे बहुत पैसे खर्च होंगे, क्या करोगे? कहा दीपांशु। तो यार भरोसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। उस देश को पहुंचकर वहां के कार और ट्रक से लिफ्ट पूछना है, उसे हिच हाइकिंग कहते हैं। हर देश में सस्ते कमरे वाले हॉस्टल्स भी मिलेंगे। उन्हें ढूंढकर पकड़ने के लिए बहुत सारे एप्स भी हैं। कल ही मेरी पहली देश की यात्रा है, ऑल द बेस्ट बोलो यार, कहा। ऐसे दीपांशु मेहनत करके एक देश घूम के अपने गांव को पहुंचा। एक बार थोड़े युवक उससे सेल्फी लेने लगे। ये देखकर अन्वेष आश्चर्य में पड़ गया। तब दीपांशु अन्वेष को अपना मोबाइल दिखाते हुए, देखो यार, मेरा नोमैडिक यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक हफ्ते में ही मोनेटाइजेशन हुआ है। मेरे वीडियोस वायरल हुए हैं। इस ट्रिप से मुझे यूट्यूब से 5 लाख रुपए मिले हैं। अब मेरे भी थोड़े फैंस हैं। बहुत खुशी हो रही है। अब से मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, उसके साथ साथ बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, कहा। इससे ईर्ष्यालु अन्वेष को नींद नहीं आ रही थी। रात में करवटे बदलते हुए उठकर, इस निकम्मे को उतने पैसे और फॉलोइंग आते देख मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे भी दुनिया घूमकर पैसे कमाना है, बाद में विदेश घूमूंगा, कल ही यात्रा शुरू करता हूँ, सोचा। ऐसे वो बिना टिकट के ही ट्रेन में जाने लगा। एक गांव में उतरा। वो स्टेशन के बाहर चलने लगा तो गेट के पास टीसी उसे रोककर टिकट पूछा। वो नहीं है कहा तो वहां मौजूद पुलिस वाले उसे पकड़कर खूब मारकर उसे छोड़ दिए। दर्द से वो लंगड़ाते हुए बाहर आया। वहाँ एक कार वाले से, भैया मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे यहाँ से ताजमहल तक जाना है, जरा लिफ्ट देंगे क्या? वो उसे एक मारकर, क्यों रे, एक टैक्सी से लिफ्ट के लिए पूछ रहे हो? एक टैक्सी और साधारण कार में अंतर नहीं पता क्या तुम्हें? कहा। बाद में अन्वेष, दीपांश का कहा हिच हाइकिंग हमारे देश में नहीं चलेगा, इसलिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, सोचा। तभी एक ऑटो एक प्रयाणिक के लिए वहां रुक। ऑटो जाने लगा तो अन्वेष उसे पकड़कर लटकते हुए जाने लगा। थोड़ी देर के बाद अन्वेष फोन में रिकॉर्ड करते हुए, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अन्वेष है, मैं आप सब के लिए ये विश्व यात्रा कर रहा हूँ। देखे ना, आपके लिए मैं ऑटो से कैसे लटक रहा हूँ, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूँ कह रहा था तभी उसके वजन से ऑटो के आगे वाला पहिया ऊपर उठा। बस ऑटो वाले को शक हुआ और वो ऑटो को रोककर उतरकर पीछे क्या है कहकर देखा तो उसे अन्वेष लटकते हुए दिखा। बस वो ऑटो वाला उसे पकड़कर खूब मारा। अब ऐसे नहीं होगा सोचकर अन्वेष एक पेड़ के ऊपर चढ़कर फोन में, देखे ना दोस्तों, आजकल अच्छाई का जमाना नहीं है कहकर इसीलिए कहते हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए एक साहस करने वाला हूँ, कहकर नीचे आ रहे एक लॉरी पे कूदा। मगर उसमें थोड़े चोर लोग थे। वो लोग कहीं से चोरी करके उस लॉरी को भी चुरा कर भाग रहे थे। सारे चोर अन्वेष को पकड़कर उसका फोन और बैग भी छीनकर उसके कपड़े उतारकर सिर्फ अंडरवेयर पे ही उसे चलते हुए लॉरी में से फेंक दिए। ऐसे अन्वेष लंगड़ाते हुए घर को निकला।